कि हमको तो पता ही नहीं आप क्या है क्या बोल रहे हो। हाँ आंख वाक तो खुली, मैं बोला जिंदा है। फिर ऐसा क्या बोलूँ, इतना पेट भर गया ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग चालू हो रहा है 11:30 बजे, क्योंकि मैं काम कर रहा था। क्योंकि आज, जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे आज कहीं जाना है बाहर किसी काम से रिलेटेड, तो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछला ब्लॉग देख सकते हो, एंड क्यों क्या किस लिए सब मैंने वहाँ बता रखा है, देख लेना। तो अभी मैं उठ के सारा काम ख़त्म करके, नाश्ता वगैरह करके, फ्रेश अप होके, वीडियो एडिटिंग पूरा ख़त्म कर दिया है। खाली अपलोडिंग पे लगाना बचा है, तो वीडियो को अपलोडिंग पे लगाएंगे जब तक नहा के आ रहे, जब तक एक्सपोर्ट हो रहे, जब तक नहा के आते, उसके बाद वीडियो को लगाएंगे अपलोडिंग पे, उसके बाद निकलेंगे हम बाहर। करता हूँ मैं, इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चीज़ें और क्या नहीं, क्योंकि अब कहाँ वहाँ जाओगे, फिर देखोगे, फिर आओगे, और जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे वो बोलेंगे कि हमको तो पता ही नहीं आप क्या है क्या बोल रहे हो, मतलब फिर ऐसा लगता है कि हवा में बात हो रही है। शॉर्ट में कि एक न्यू चीज़ आने वाली है, क्वेश्चन मार्क है उसके पीछे, एक न्यू चीज़ आने वाली है क्वेश्चन मार्क। अगर मैं एकदम क्लियर बता देता हूँ कि अगर वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो, वो वाला वीडियो देख के भी कंफ्यूज हो, तो ये वाला वीडियो देख के आपको एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी कि चीज़ चल क्या रही है। तो वो ये कि एक नई चीज़ लेने की प्लान हो रही है मेरा लेने का प्लान हो रहा है, बट वो फिक्स नहीं है अभी तक कि वो आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो अभी आने वाली है नहीं आने वाली है, वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए कि वो चीज़ें एकदम प्रॉपर हो, प्रॉपर इन द सेंस, अगर मैं कुछ चीज़ आपको पैसे दे रहा हूँ उस चीज़ के, तो वो चीज़ मेरे को एकदम प्रॉपर चाहिए। आप जितना पैसा मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, उतना पैसा हम आपको दे रहे, तो उतने पैसे का हमको प्रॉपर सर्विस चाहिए। तो उस चीज़ से तो मेरे को कहीं पर नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो चीज़ देख के। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डाइजी चल रहा है प्लान कि लेने वाले हैं नहीं लेने वाले, तो वैसा चल रहा है। अगर प्रॉपर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो ड्रॉप कर देंगे प्लान, ऐसा दो और कुछ भी अगड़म तिगड़म चीज़ लेके आ जाओ, तो वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। तो डाइजी है प्लान अभी। मैं एकदम ये नहीं बोलूँगा कि भाई आने ही वाली है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं, बोलते ना कि ऐसा सोच रहे हैं कि ये लेना है, ऐसा सोच रहे हैं वो लेना है। तो अगर हुआ, बड़े भैया की कृपा हुई, तो ले लेंगे, अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। चलते फटाफट से, अभी तक तो एक्सपोर्ट हो गई थी वीडियो, तो वीडियो को लगा दे अपलोडिंग पे, जाते नहाते धोते खाते पीते, उसके बाद निकलते हैं। चलो ओके। सो गाइस, ज्योति उगा रही है टमाटर, आजकल सब टमाटर पे है, क्यों हो गए क्या पता। अरे साला बाकी भी रखी है यहाँ पे, ये सब उगाई की धनिया पुदीना, सब पूरा हालत खराब कर रखा है इसने, और हमको भी काम पे लगा दिए। क्या है ज्योति, इसके अंदर क्या उगाया है? बोलती है इसकी टीचर मच्छी भी डाल देती है पौधे में। अरे बाप रे, ये एक नया सुना यार मैं, इसने बोला तो मैं एडिटिंग कर रहा था, मैं अपना काम वाम छोड़ के मैं इसको देखने लगा कि क्या बोल क्या रही है, ये अपने सेंस में है कि कल का शिवरात्रि का भांग पी लिया। इसकी टीचर ने भी ऐसा टमाटर वमाटर कुछ उगाया रहेगा, तब से ये इन्फ्लुएंस हो गई है। तो सुनो मैं बताऊँ इसका क्या बोल देती है, इसे स्टोरी बताता हूँ मैं। तो बोलती है कि मेरी टीचर भी टमाटर उगाती है, तो मेरी मम्मी वहाँ से कुछ केले का छिलका वगैरह लेके जा रहे थे डस्टबिन में फेंकने के लिए बाहर, तो मेरी बहन बोलती ला ला सब इसके अंदर डाल दे। मेरी मम्मी बोलती है फिर ऐसे कचरा है, पोहा वोहा सब है, इसके अंदर डाल दे बोल रही है। तो बोलती है कि अरे हाँ चलता है, मेरी टीचर ने बोला है कॉलेज की कि डाल देने का फर्टिलाइजर मिलता है, मेरी टीचर तो मच्छी का आंग डाल देती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं लगाया है इस वाले में, अब देखते हैं। एक बार तो टमाटर स्कैम हुआ ही हमारे साथ, आपने वीडियो नहीं देखा तो देखो पीछे करके। अब ये देखते हैं कितने दिन में उगता है, अगर उगेगा तो बताएंगे आपको, नहीं उगेगा तो भी बताएंगे। ओके सो गाइस, नहा धो के आ चुके हैं, अभी बस खाना खा रहे हैं एंड निकल रहे हैं। एंड मेरी जो है, मेरी बात हो गई, एक बार मैंने फ़ोन करके देख लिया उसको, उस बंदे को मैंने पूछ लिया कि एक्चुअली तुम्हारा शॉप कहाँ है क्या नहीं, तो उसने बताया वैसा वैसा है, गाइड कर दिया उसने मेरे को। एंड मैंने पूरा ठीक है मैं मिलता हूँ, तो बोलता है ठीक है सर आ जाइए कोई दिक्कत नहीं। ग्रांट रोड काफ़ी दूर है, यहाँ से दादर जाना पड़ेगा, दादर से चेंज करिए वेस्टर्न में ग्रांट रोड मतलब ऑलमोस्ट बहुत दूर जाना है। खैर कोई नहीं, फटाफट से खाना खाते हैं निकलते हैं। एंड होप सो फ़ोन में थोड़ा सा चार्जिंग बच जाए तो शूट हो जाएगा जो भी है।
कोई नहीं, देखते हैं अभी खाना खाते और निकलते, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। चलो ओके सो गाइस, अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है, वीडियो भी अपलोड हो गई है, 7 बजे हो जाएगी ऑन, पूरा अपलोड हो गया। तो अभी बस निकल रहे हैं एंड कैप वैप पहन लिया क्योंकि धूप बहुत है बाहर। इवन मैं निकल रहा हूँ अभी, समझ लो ना 2:15 बज रहा है, 2 बजे तक आएगी इसमें, 2 बजे अनुमान लगा लो 2 बजे। तो अब देख लीजिए कितने बजे निकलाऊँ और घर आऊँगा तो आपको टाइम बताऊँगा कि आया कितने बजे हूँ घर पे। मो खाली जाना है वहाँ पे, इंक्वायरी निकालनी है और देखना है सब कुछ एंड देन घर पे आना सीधा, और कुछ भी नहीं करना। तो बाहर तो इतना शूट नहीं कर पाऊँगा, बट आप देखना कि टाइम कितना लग जाता है जाने आने में। तो चलो चलते हैं, चल। धूप देखो गाइस, धूप देखो खाली। मैं जैसे ही मतलब घर से जैसे ही निकला ना बाहर, धूप में घुसते ही पता नहीं क्या करंट लग गया मेरे को, बहुत लगती है यार धूप। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई ढंग से और धूप इतना, साला हम इंसान रोते ही रहते यार, ठंडी लगे तो रोते, गर्मी लगे तो रोते। पहुँचते ग्रैंड रोड, अभी मैं जाके आ चुका हूँ बाहर एंड आपने बाहर तो रश देख ही लिया होगा, मैंने दिखाया था आपको। मैं तकरीबन कितने बजे आया मैं बताऊँ, अनुमान लगाऊँ तो अभी बज रहे 8 ना, तो मैं आया रहूँगा 6:30 के आसपास आया रहूँगा मैं। तो मैं गया कितने बजे था आपने देख लिया टाइम, मैं तो टाइम भूल गया हूँ, मैं 2 बजे के आसपास कहीं गया था ना, 1-2 बजे के आसपास, 2:45 बजे एंड मैं आया 6:30-7:30 को। जो लोकल का ट्रैवलिंग होता है ना डूड, मैं नहीं बता सकता। मुंबई वाले जो है लोकल, मुंबई जो लोकेलिटी है जो अप डाउन करते हैं डेली का, वो तो ठीक है, बट जो अगर आउटसाइड से कोई आ रहे ना डूड आप, तो लोकल तो मैं रिकमेंड करूंगा ही नहीं, 0.01% भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि लोकल में आप ट्रैवल कर सकते हो, लोकल में इधर से उधर जा सकते हो, क्योंकि जो पीक टाइमिंग होता है ना, वो पीक टाइमिंग में हम लोग लोकल वालों के भी लग जाते हैं, तो बाहर से आने वाले की तो बात तो अलग ही है। तो इतना रश दादर स्टेशन, मैंने जो आपको क्लिप दिखाई ना पीछे दादर स्टेशन पे, अरे बाप रे, 2 स्टेशन मर्ज कर दिया फिर भी इतना रश, अगर सिंगल स्टेशन होता तो डूड क्या ही होता, पटरी पे खड़े रहते लोग। ये वीडियो मतलब टाइटल वाइटल सब कुछ करके वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी थी मैंने, तो अभी चलते थोड़ा गेमिंग वीडियो शूट करने का, तो गेमिंग वीडियो वगैरह शूट करते हैं देन उसके बाद मिलते हैं आपसे वापस। आज इतना कुछ शूट किया नहीं क्योंकि शूट करने मिला ही नहीं, क्योंकि आज का दिन भी स्ट्रेस में गया था, और क्या है सिनेरियो क्या है क्या नहीं वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। अभी फिलहाल जाते हैं गेमिंग वीडियो शूट करने के लिए, गेमिंग वीडियो शूट करते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे वापस। ओके सो गाइस, अभी हम लोग साइकिल राइड पे निकले हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे थे बस ऐसे बैठे थे। तो 1, 2, 3 जन आए हैं और तीन साइकिल पे चार जन। तो अभी अपने घर से तो बहुत दूर आ गए, मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर की कर ली है, नहीं 1 किलोमीटर की तो साइकिलिंग हमने कर लिया, अभी और थोड़ा सा करेंगे क्योंकि आज 3 जन है, नहीं तो ऐसा अमूमन हम लोग निकलते तो शूट भी नहीं करता मैं। कल भी निकले थे, परसों भी निकले थे, बट इतना शूट नहीं करता। आज 3-4 जन निकले लंबा जाएंगे तो इसकी वजह से शूट कर रहा हूँ। तो जाते हैं तकरीबन 4-5 किलोमीटर की साइकिलिंग करते एकदम बढ़िया से, तो उसके बाद बताते हालत क्या है। अंगद की हालत तो अभी से ख़राब, और बाकी का दिखाते हैं। वो पीछे अंगद पीछे से चिल्लाते हैं, अरे रुको मेरे लिए, रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ। एक साइकिल कम पड़ रही, खाली एक साइकिल और होता ना तो प्रॉपरली सब 1, 2, 3, 4 जन आराम से जा सकते थे। मत करना, क्यों क्या कर लूँ, क्या कर लूँ बेटा, क्या करूँ बता। हम लोग बिल्डिंग में आ चुके हैं एंड तकरीबन 5 से ज़्यादा ही किलोमीटर की हमने वो कर ली एंड बीच में ट्रेजेडी भी हो गया था। ये देखो हुआ यूँ था कि अंगद चले गया था साइकिल लेके आगे,
हम लोग ने बोला कि साथ में चलना है, जो भी चलना है साथ में चलना है, क्योंकि आगे रास्ते कहाँ चेंज करने हैं, कहाँ जाना है, कौन सा रास्ते जाना है कुछ आता पता नहीं, तो एकदम ज़्यादा दूर नहीं चलना है, एटलीस्ट आवाज़ पहुँच जाए उतना दूर चलना है। अरे चल रहा भाई हमारे से 150 मीटर आगे चल रहा है ये हमसे, पहली बार हुआ तो पहली बार इसने बुला लिया उसको जाके कि रुक जा रहा, तो फिर इन लोग जाके आगे रुक गए, फिर मैं गया क्योंकि दक्ष की साइकिल तो चलती नहीं है, तो ये एक तो दक्ष और मैं डबल सीट थे एंड नंबर चला रहा था अपनी साइकिल, तो दक्ष इसको बोला कि आगे जाओ, उसको रुका किधर जा रहा है, वो साथ में चलने बोला किधर जा रहा है, तो पहली बार तो हो गया, दूसरी बार जब रुकाने गया नंबर, दूसरी बार भी ये चला गया था, अबे दूसरी बार साल, तो दूसरी बार में हुआ यूं कि ये फिर आगे चला गया, देन उसको नंबर को बोला कि नंबर जा उसको रुका कहाँ जाना है कहाँ नहीं बताएं, तो सही एटलीस्ट वो आगे आगे अपना चल रहा है, फिर हम अलग चले जाए वो अलग चले जाए, तो नंबर गया बुलाने के लिए और नंबर की साइकिल जो पता नहीं कैसे डिसबैलेंस हुई, नंबर ऐसे ऐसे करके देख ना, अभी दक्ष दिखाएगा, दक्ष दिखा नंबर की साइकिल भी दिखा वहां से, अभी दक्ष दिखाएगा ऐसा नहीं हुआ था, नहीं हुआ था पैर से, ये नहीं दिखा पाया बट हुआ यूं था, मैं ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ आप समझ जाओगे, तो हुआ यूं था कि डिसबैलेंस हो गया, पैंडल पे से पैर छूटा, पैर चले गया जमीन पे और साइकिल चल रही स्पीड में, पैर चले गए जमीन पे, तो वो होता ना ऐसे पैर ऐसे ऐसे हो जाता है, तो साइकिल पे ही था एंड पैर ऐसा रुकना जा रहा, शूट कर रहा हूँ ना, तो पैर ऐसा अगड़ा वगड़ा हुआ काफी टाइम तक ऐसा केकड़े जैसा हुआ संभाला, बाजू में टेम्पो था, खड़ी थी टेम्पो मेरे को, और टेम्पो का हाइट था इतना हाइट था, मेरे को लगा भाई ये पूरा अंदर ही घसड़ अंदर चला जाएगा टेम्पो के, भागा पकड़ने के लिए, मैं बोला यार उठा क्यों नहीं ये, फिर देखा तो हाँ आग वाक तो खुली, मैं बोला जिंदा है, एक्चुअली डिसबैलेंस हो गया था, बाकी हम लोग चल तो रहे थे बरोबर, इसको इसके चक्कर में गिर गया ये बंदा। ओके तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं एंड हमारा दिन बस खत्म होने जा ही रहा है, तो वीडियो को एंड करने बस जा ही रहे, तो आपने देखा आज के वीडियो में जो भी था, जो भी आई एम सॉरी मैंने आज बहुत ज़्यादा खा लिया, मैंने तो सब्बे मंगा लिया था तो सब्बे खा लिया, बाद घर पे छोले चावल बने थे तो छोले चावल को तो वो नहीं कर सकते भैया, मतलब मिस उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बेइज्जती हो जाती है, छोले चावल को नहीं इग्नोर करा जाता, अच्छा नहीं होता, उनको पाप लगता है तो छोले चावल भी खा लिए, सब्बे भी खा लिया, अरे भगवान क्या बोलूँ, इतना पेट भर गया ना कि मैं अभी ऐसा लग रहा है अभी सो नहीं पाऊँगा, अभी थोड़ा टाइम वॉक करना पड़ेगा, मतलब नीचे तो नहीं आऊँगा वॉक करने, थोड़ा टाइम घर पे ऐसा वॉक करूँगा, उसके बाद सोएंगे, ऐसे तो नींद नहीं आएगी भैया, तो वही चीज़ है, तो आज के ब्लॉग में जो भी हुआ आपको दिखा दिया मैंने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो लाल सुखा ली, बाकी अभी